बीएड कर रहे कुछ कैंडिडेट जो टेंशन में है इसलिए कि उनका पेपर क्लैश कर रहा है, जो एडिशनल पेपर दे रहे हैं, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का भी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है, पेपर क्लैश है, सोल्यूशन है उसका। सोल्यूशन ये है कि आपको इमीडिएट जब पता चलता है, वैसे 10 डेज होते हैं, आप वो यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन देनी होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अगर आपका क्लैश है तो आपने एडम ब्लॉक में जाना है, फोर्थ फ्लोर पर 135 रूम नंबर है, वहाँ एप्लीकेशन देनी होगी। नॉर्मली पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने एक मंथ बाद आपकी फिर से जो है शेड्यूल की होती है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन से क्लैश कर रहे हैं। अगर आपका ग्रीवेंस है, आपका ये दुख है, तो आपने उन तक पहुँचाना है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप थ्रू ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आपको पर्सनली जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ एप्लीकेशन जमा करवा दीजिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नॉर्मली ऐसा नहीं करती, लेकिन पिछले साल उन्होंने ही ऐसे एडिशनल पेपर या जो भी क्लैश कर रहे थे पेपर, उनको डिफरेंट बाद में एक मंथ बाद उनकी डेट निकाल कर उनके पेपर लिए हैं। तो सोल्यूशन है, आप अपनी सोल्यूशन सिंपल ये है, एप्लीकेशन जमा होनी है, आपने पर्सनली मिलना है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आप इंक्वायरी सेल जो यूनिवर्सिटी के बाहर गेट है वहीं जाके मिल सकते हो, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छी तरह डील करते हैं और आपको गाइड कर देंगे कि यहाँ आपकी एप्लीकेशन जमा हो जानी है। नॉर्मली कई बार वही एप्लीकेशन जमा हो जाती है, तो आपने जो डेट शीट है उसको हाईलाइट कर देना है कि ये क्लैश है, और एप्लीकेशन में लिख देना है कि ये मेरा पेपर 11 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का है, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, और बीएड का असेसमेंट फॉर लर्निंग उसी दिन है, तो हाईलाइट करके और एप्लीकेशन में लिख देना है, ब्रीफ में एप्लीकेशन लिखनी है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, कोई बात हो आप फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।